सोलन जिला के तहत अर्की के गांव छामला निवासी दान सिंह भंडारी व उनके परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। दान सिंह भंडारी का कहना है कि उनके साथ दारला घाट के रहने वाले महेंद्र नाम के एक व्यक्ति ने धोखाधड़ी की है और आज वो और उनका परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं। दान सिंह ने कहा कि अगर उन्हें इंसाफ ना मिला तो वे परिवार के साथ मौत को गले लगा लेंगे। सोलन जिला के अर्की के तहत पड़ने वाले छामला गांव निवासी दान सिंह भंडारी ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि किसी वजह से उन्हें पैसों की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक व्यक्ति महेंद्र सिंह, जो ब्याज पर पैसे देने का काम करता है, उससे 5 लाख रुपए उधार लिए। दान सिंह भंडारी ने कहा कि पैसे देने की एवज में महेंद्र सिंह ने उनकी गाड़ियों का टोकन और मेंबरशिप गिरवी रखने को कहा। उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह ने कहा था कि जैसे ही उसे पैसे वापस मिल जाएंगे, वो गाड़ियों की मेंबरशिप और टोकन वापस कर देगा। दान सिंह भंडारी ने कहा कि उन्होंने महेंद्र सिंह को कुछ समय पश्चात 5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए ब्याज, कुल मिलाकर 7 लाख रुपए लौटा दिए थे, लेकिन महेंद्र सिंह ने उनके साथ विश्वासघात किया है। दान सिंह ने कहा कि महेंद्र सिंह ने उनकी गाड़ियों का टोकन व मेंबरशिप नहीं लौटाई, जिस वजह से वे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि 5 लाख के बदले महेंद्र सिंह ने जो शपथ पत्र व टोकन गारंटी के तौर पर लिया था, उसका उसने गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत SDTO प्रधान व थाना प्रभारी दारलाघाट से भी की गई थी, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला है। उन्होंने सोलन जिला पंजीयक सहकारी सभाएं के प्रभारी बुद्धि सिंह पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बिना टोकन के गाड़ी नहीं चला सकते हैं और टोकन ना होने की वजह से काफी समय से उनके ट्रक खड़े हैं। उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह के धोखे की वजह से उनके होम लोन की CC लिमिट की भरपाई भी नहीं हो पाई है। दान सिंह भंडारी, मैं छामला का रहने वाला हूँ। तो मेरे साथ जो सर एक महेंद्र सिंह ने जो एक एफिडेविट के तौर पर मेरे ब्रदर इन लॉ का लेके मेरे साथ फ्रॉड बहुत किया। पैसा रिटर्न करने के बाद भी उसने मेरे को वो टोकन अपने नाम कर दिया और खुद का जो टोकन है वो उसने 20 लाख में बेच दिया भाई। और आज मैं और मेरे साले की फैमिली सड़क पे आ चुके हैं, कहीं की नहीं है। हमारे तो ये विनती है कि हमें चाहिए। वहीं पीड़िता बिमला देवी ने कहा कि उन्होंने और उनके परिवार ने हर जगह न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कहीं भी इंसाफ नहीं मिला। सर, मेरे हस्बैंड को 5 लाख की जैसे जरूरत थी, तो महेंद्र सिंह ठाकुर से हमने 5 लाख रुपए लिए। उसकी एवज में जो है हमारा टोकन उन्होंने अपने पास गारंटी के तौर पर रखा और कहा जब आपके पास पैसे होंगे तो आप अपना टोकन वापस ले लीजिए, ले लेना। लेकिन जब हमने सारा पैसा सूद समेत उनको मतलब 7 लाख रुपए वापस कर दिया, ना तो उन्होंने हमारा वो टोकन वापस दिया और अपने पैसे भी सारे ले लिए। तब हम उनसे मतलब मांगते रहे अपना टोकन, तो उन्होंने कहा कि मतलब कभी आजकल परसों करते करते उन्होंने बहुत सारा टाइम लगा दिया। फिर बाहर से हमारे को पता चला कि वो मतलब जो टोकन अपने नाम कर रहे हैं। तब हमने हर जगह जाकर मेरे हस्बैंड और मेरे भाई ने सारे रजिस्ट्रार ऑफ मतलब सोलन में, SDTO में, पुलिस स्टेशन में, हर जगह जो है अप्लीकेशन लगाई कि इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए, लेकिन किसी ने हमारा साथ नहीं दिया और इसकी वजह से हमारी EMI बैंक की भी देने को रह गई और बैंक ने हमारे घर पे ताले लगा। वहीं अधिवक्ता जगदीश चंदेल ने कहा कि CC लिमिट की भरपाई न होने की वजह से इस परिवार के घर पर बैंक ने कार्रवाई करते हुए ताला लगा दिया है। उन्होंने कहा कि ये परिवार 180 दिन से तंबू में रहने को मजबूर है। जगदीश चंदेल ने सरकार से मामले में संज्ञान लेने की मांग की है। बेसिकली भाई साहब क्या है कि इट्स ए बिग फ्रॉड कमिटेड बाय अ पर्सन। दाला खान के एक आदमी है जी, उनका नाम जो है आपने मेरे क्लाइंट्स उसकी पूरी डिटेल देंगे। उसमें इन्हें स्पेसिफिकली क्या किया है कि एक दाला घाट जो ट्रक ऑपरेटर जो यूनियन है जी, वहाँ पर एक टोकन हो, टोकन पे ही गाड़ियाँ चलती है। तो मेरे क्लाइंट्स का जो रोज़गार पूरा का पूरा था वो उसके ऊपर डिपेंडेंट था, और एक आदमी ने थोड़े पैसे की लालच में वो टोकन को हथियाया और उसका गलत उपयोग करके मेरे क्लाइंट्स को आज इस कगार पे खड़ा कर दिया है कि वो पिछले तकरीबन 180 दिन से अपने घर से बाहर हैं और सीढ़ियों के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं अब उनकी फैमिली के साथ।
सरकार से किस तरह की मांग है आप लोगों की? भाई साहब, सरकार से तो हमारा स्पेसिफिक यही अनुरोध रहेगा कि आज तक पिछले 8 महीने से हमने इस फ्रॉड से रिलेटेड तकरीबन हर इंक्वायरी ऑफिसर्स को, चाहे वो कंसर्न पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो रजिस्ट्रार ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी हो, चाहे वो अपना दाला घाट ट्रक ऑपरेटर स्टेशन जो हम बोलते हैं इनकी, वो हो, हमने सब लोगों को के पास जाकर विद फुल प्रूफ, विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एज वेल एज अ सीडी, अ वॉइस रिकॉर्डिंग ऑफ द कल्प्रिट, वी हैव ऑलरेडी हैंडेड ओवर टू द कंसर्न SHO, बट डिस्पाइट ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ओरल एविडेंस ऑल्सो, आज तक कुछ नहीं हुआ है। हम चाह रहे हैं कि इस पर संज्ञान लिया जाए और मेरे क्लाइंट्स के साथ जो है वो एक जस्टिस किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।